माताजी महाराज की बड़ी कृपा थी कि अभी वहां उस वक्त पहुंच गया, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। सिर्फ वहां मौजूद होना ही काफी नहीं था अंबिका, अभी ने वाकई बड़ी बहादुरी दिखाई है पिया की जान बचाने में। किसी भी इंसान की जान बचाना हर इंसान का फर्ज होता है। मनु भाभी, वो मैं सोच रही थी कि कावेरी की गोद भराई की रसम थोड़े दिनों के लिए टाल देते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सही कहा देवरानी सा, जब समधियों के घर में अंधेरा छाया हो तो हमारे यहाँ ढोल कैसे बज सकते हैं? क्यों क्यों नहीं होगी मेरी गोद भराई? उनका घर अलग है, हमारा अलग। अगर वो लोग रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हंसना भूल जाएं। कावेरी, वो घर इस घर से अलग कैसे हुआ? उस घर में हमने अपनी बेटी ब्याही है। उस घर की बेटी की परवाह है आपको, लेकिन इस घर की बहू की नहीं। बेटा, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। सोचो उन्हें कैसा लगेगा जब हम यहाँ खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें कैसा लगेगा, इसकी परवाह करने के बजाय मेरी परवाह क्यों नहीं करती हैं आप? एक बात अच्छी तरह से समझ लें आप, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई हो, और कभी कभार मेरी इच्छाओं का आदर करना भी आप लोगों को आना चाहिए। खाना खा लीजिए। मियां ने कुछ खाया? नहीं। वही होगी जहां तुम जाओगे। क्या मैं देख नहीं सकता कि तुम और सलोनी क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने हमारे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। ब्रिजेश भाई जी के फार्म की तरफ होती है ना?